सबसे पहले यहाँ देखिए लाल वाला मछली, यानी कलर कलर का है। ऐसा पहली बार हमको घूमने का मौका मिला है। सही बात है, यूट्यूब का पैसा आने के बाद ही हम लोग आ पाए हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम लोग सांप घर पहुँच गए हैं। ये रहा देखिए, यहाँ टिकट लगता है 10 रुपया। और ये श्री कृष्ण जी के पिताजी, हाँ सुदामा है ना। हाँ ये देखिए कैसे लिए हैं माथे पे। तो चलिए टिकट लेते हैं जल्दी से। ये रहा टिकट काउंटर, यहाँ लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग टिकट ले लिए हैं। चलिए आप प्रवेश करते हैं। ये देखिए दोस्तों अजगर कितना विशाल है, ये देखिए। और ये देखिए, ये दो है, दो दो ठो है ना। ये देखिए दोस्तों सांप, ये देखिए दोस्तों खतरनाक सांप। हम लोग कभी नहीं देखे थे इसलिए हम लोग देखने के लिए घुस गए हैं दोस्तों। बहुत ही अजीब अजीब सांप देखने को मिल रहा है हम लोग को। ये देखिए सूरज उधर मजा ले रहा है खेल खेल के मजा ले रहा है देखिए। ये देखिए, और ये देखिए दोस्तों अजगर, यहाँ 3 अजगर है दोस्तों एक साथ में। देखिए सोए हुए हैं, खा के एकदम मस्त सो रहे हैं। हम लोग इतना नज़दीक से नहीं देख पाते, पर यहाँ शीशा फेंक है इसलिए एकदम सामने से देख रहे हैं एकदम। और दोस्तों यहाँ देखिए कोबरा नाग है, ये भारतीय नाग है जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। यहाँ पे लिखा है, ये देखिए दोस्तों कोबरा सांप आराम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये एक भारतीय नाग सांप है, ये बहुत ही सांपों में से सबसे जहरीला सांप ये माने जाते हैं दोस्तों। हाँ ये देखिए भारतीय नाग, इस प्रकार से लिखा हुआ है आगे में, सबका अलग अलग पहचान। और वाह रे वाह, इतना भयानक, बहुत ही भयानक है दोस्तों। देखिए और ये देखिए सूरज भी देख रहा है सांप को। देखिए हम लोग आए हैं दोस्तों, देख रहे हैं। अरे वाह, ये स्नेक को भी खा जाता है ये वाला दबोइया, जो भी बहुत जहरीला है। ये देखिए दोस्तों ये और भी है। चलो सूरज आगे चलो, ये भी बहुत, ये भी करेंट सांप, बहुत, ये भी देखिए बहुत, ये करेंट सांप है, करेंट सांप। और ये देखिए यहाँ घुसने का दरवाजा कैसा है, देखिए मजा ले रहा है सूरज घूम घूम के, पूरा बैठ बैठ के मजा ले रहा है। राउंडिंग जो है ऐसे, अरे राउंड कलर नहीं है, छोड़ दो छोड़ दो, दरवाज़ा है। चलो बाहर चलते हैं, बाहर चलते हैं, चलो चलिए बाहर चलते हैं। हाँ हाँ आ जा, बैठना नहीं है इसमें, निकलने का है। चलो बैठने का नहीं है, चलो इधर इधर। ये देखिए बहुत सारे लोग आते हैं देखने के लिए। तो दोस्तों हम लोग सांप घर से निकल गए हैं, अब हम लोग निकासी की ओर जा रहे हैं। हाँ निकासी की ओर जा रहे हैं। चलिए पानी का मजा ले रहे हैं गेड़ा, ये देखिए तो सबसे बड़ा वाला है ये। चलिए जूम करके दिखाते हैं, वो रहा दोस्तों देखिए घड़ियाल, ये देखिए सबसे बड़ा वाला। ये देखिए दोस्तों यहाँ बंदर, बंदर नहीं हनुमान है, हनुमान जी खा रहे हैं लड्डू। मेरा नहीं बना, तो दोस्तों हम लोग पूरा देख लिए, बंदर उंदर सब देख लिए ना सूरज, बंदर भी देख लिए। और ये देखिए यहाँ का खूबसूरत नज़ारा। हाँ एग्जिट द्वार तरफ हम लोग जा रहे हैं, और यहाँ देखिए पेड़ में किस तरह से है एकदम मस्त, और देखिए चारों तरफ पार्क की जैसा एकदम है। हाँ और इधर देखिए गमला में भी फूल है, फूल अगर लगाया हुआ है ये देखिए मस्त फूल। देखिए
और चलिए हम लोग निकासी द्वार आ गए, देखिए इधर। तो दोस्तों हम लोग बाहर आ गए, ये देखिए। तो दोस्तों अब हम लोग मछली घर तरफ जा रहे हैं क्या? तो ये रहा मछली घर, देखिए। तो दोस्तों बाहर का खूबसूरत नज़ारा दिखा दिए, अब चलते हैं अंदर, घुसते हैं। तो ये रहा मछली, सबसे पहले यहाँ देखिए लाल वाला मछली, यानी कलर कलर का है, नहीं पकड़ने का नहीं है, देखिए बहुत ही मस्त। ये देखिए खाने के लिए सब खोज रहा है। और ये देखिए दोस्तों सबसे गजब का मछली, ऐसा मछली तो हम जीवन में नहीं देखे थे, ये देखिए पहली बार देख रहे हैं, एकदम गजब का है, देखिए ना ये देखिए कैसा तैर रही है, देखिए ये देखिए। मछली घर में आए हुए हैं इसलिए मछली हम बोल रहे हैं, नहीं तो मछली है कि क्या है हमको समझ में नहीं आ रहा, मछली जैसा नहीं लग रहा है लेकिन। और दोस्तों इस होल में प्रवेश करने के बाद में हमको कुछ अजीब सा लग रहा है, एकदम ठंडा लग रहा है, बहुत ही अच्छा है, कूलर जैसा है, देखिए पानी में मजा लग रहा है पूरा। ऐसा पहली बार हमको घूमने का मौका मिला है, सही बात है। यूट्यूब का पैसा आने के बाद ही हम लोग आ पाए हैं दोस्तों, नहीं तो हम लोग पहले कभी नहीं आए थे, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह प्यार सब देते रहिए हम लोगों को। और आप लोगों को पहाड़ जैसा बनाया हुआ लग रहा है कि नीचे मिट्टी है, ये देखिए कलर कलर का मछली। और आनंद बचीज भी पूरा शूट करने में लगे हैं, ये देखिए दोस्तों मछली बहुत है। और इधर भी है, ये देखिए ये एक ही है, पूरा पत्थर और लकड़ी देके बनाया गया है, बहुत ही अच्छा। क्या सूरज देख रहा है मजे से, चलो और आगे चलते हैं। ये देखिए बड़ा बड़ा मछली, बहुत ही मस्त। और सूरज आगे चला गया है उधर, देखिए वाह क्या मछली है दोस्तों। और भी आगे चलते हैं, ये देखिए एकदम ऐसा सजाया हुआ है अंदर की लगता है कि सचमुच में एकदम पहाड़ है, ये देखिए। ये देखिए बैकग्राउंड, ये देखिए दोस्तों बैकग्राउंड में कैसा लग रहा है एकदम, ये देखिए मछली का नज़ारा खूबसूरत। और ये देखिए यहाँ पे यानी एक से एक बढ़ के मछली, और भी आगे दिखाते हैं अभी। और दोस्तों सबसे बड़ा बड़ा मछली आप लोगों को दिखाते हैं अभी, देखिए ये देखिए दोस्तों नाम नहीं पता लेकिन देख रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा हम लोग नहीं देखे थे मछली का भी, लगभग 7-8 केजी का होगा। हाँ हाँ बहुत बड़ा है, ये देखिए बहुत ही अच्छा लगा देख के, चलिए और भी आगे देखते हैं खाने का। और सूरज भी पूरा देख रहा है, देखिए और इधर भी है एक से बढ़ के, इसका नाम है हैबिटेट, नहीं रिकॉप। और ये देखिए यहाँ भी हैं बड़े बड़े एकदम, और नीचे भी हैं देखिए, ये देखिए और देखिए यहाँ, वाह क्या मछली एक से एक। इसका पंख देखते हैं, देख सकते हैं दोस्तों एकदम सोने कलर में, और सबसे बड़ा चमकदार एकदम, ये देखिए। और ये देखिए इधर मछली,
हम लोग नाम नहीं जानते लेकिन एक से एक है एकदम। इंद्रधनुष है, सफेद सफेद इंद्रधनुष सार्क। इंद्रधनुषी है जो लगभग 8 वर्ष से 10 वर्ष का होता है। ये देखिए दोस्तों, सफेद और ब्लैक में है। और ये देखिए दोस्तों, गोल गोल एकदम मछली। ये देखिए ज़्यादा लंबाई भी, ये देखिए कितना शांत से है, एकदम तैर भी नहीं रहा है, एकदम गधा मछली है, कुछ इधर उधर नहीं कर रहे हैं, आराम से है, लग रहा है कि कुछ जान है कि नहीं। और भी चलिए इधर दिखाते हैं। ये सब तो काला वाला कतला है और रोहू, कतला और रोहू मछली है दोस्तों, ये सब। और ये देखिए लास्ट में यहाँ एक कछुआ। ये रहा टर्टल, कछुए का कहानी थोड़ा इधर तैर रहा है ना। एक ही है, एक ही है, एक ही तो है ना, एक ही है कि और एक है? एक ही है टर्टल, इसको कछुआ बोलते हैं। हाँ, ये देखिए दोस्तों कैसे तैर रहा है पानी में कछुआ। सूरज तो पूरा खेलने में लगा हुआ है, देखिए कैसे तैर रहा है। अरे गिरेगा, दोस्तों हम लोग सब कुछ देख लिए, यहाँ मछली जितना भी थे सबको देख लिए। अब हम लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं और ये देखिए बाहर का नज़ारा यहाँ खूबसूरत, ये देखिए बहुत ही मस्त। चलो सूरज, हाँ चलो ना बाहर चलते हैं, चलो पानी पिलाएंगे, चलो। चलिए दोस्तों हम लोग बाहर आ गए। तो घूमने के बाद में थोड़ा थकावट हो गया तो थोड़ा देर आराम कर ले रहे हैं यहाँ। और देखिए इधर बैठे सूरज भी पूरा खेल रहा है अभी, देखिए।